हेलो ऑल, माई सेल्फ प्रोफेसर अनिल कुमार एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अभी आपका हम सेक्शन यूनिट थ्री यानी कि सेक्शन थ्री हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हमने मेनली स्टडी करना है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो फर्स्ट इसका पार्ट है। तो इसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। इसमें हमने मेमोरी हायरार्की को पढ़ना है, रैम क्या होती है, रोम क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी क्या होती है और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसकी मेमोरी हायरार्की को देख लेते हैं कि मेमोरी हायरार्की क्या है। तो अभी जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, या सबसे आप ज़रूरी कह सकते हो माना जाता है, क्योंकि जो भी आपका प्रोग्राम्स या डेटा है उसको आप सारा का सारा मेमोरी में जो है आप लोड करके रखते हो। ठीक है, तो नॉर्मली तो हमें ये पता है कि जैसे आपने फंडामेंटल्स में भी पढ़ा होगा कि जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो वो हमेशा रैम में होता है, यानी कि वो प्राइमरी मेमोरी में होता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को जो है सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि हम जो है सिर्फ रैम को ही रख लें, हमें सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है, हम ये सोच सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं कि आपको रैम के साथ सेकेंडरी स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रैम की जो स्टोरेज है वो लिमिटेड होती है और सेकेंडरी में आप एडिशनल स्टोरेज रख सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर्स को नॉर्मली एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए जितनी हमें ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा मेमोरी हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर या ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो पीसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम सेम टाइम पे रन भी कर सके। ठीक है, तो इकोनॉमिकली अगर हम सोचें तो हम मेमोरी हायरार्की क्यों बनती है, क्योंकि बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स बनती है। इकोनॉमिक्स मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग बनती है। अब इसमें होता क्या है, जो रैम है वो सबसे ज़्यादा आपकी कॉस्टली होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, जब आप मतलब जितनी आपकी मेमोरी फास्ट होगी उतनी वो कॉस्टली होगी, और जितनी वो स्लो होगी उतने उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो इसलिए आपका मेमोरी हायरार्की का यहाँ पे कंसेप्ट आता है। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेन मेमोरी, इसकी ये सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास ये सीपीयू है, इसको मैं सर्कल में लिख रहा हूँ, और ये जो सीपीयू है ये सिर्फ एक ही मेमोरी को जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, दैट इज़ रैम। तो रैम को ये डायरेक्टली एक्सेस करता है, और रैम के साथ जो है मेन मेमोरी जो है वो डील सॉरी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डील करती है। ठीक है, तो मेमोरी हायरार्की में क्या आ गया, सबसे पहले आपकी रैम आ गई, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आ गई, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो जो आप डेटा है वो परमानेंटली आप जो है सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर डेटा स्टोर करके रखते हो, और जिस भी प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना होता है वो आप सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के रैम में ले आते हो, और रैम से जो है सीपीयू डायरेक्टली उस प्रोग्राम को या उस डेटा को यूज़ करता है या उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद दोबारा वो रैम में भेज देता है। तो डाटा को फिर से अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना होता तो हम सेकेंडरी के ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि रैम को हम सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, और ये जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है ये हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब हम मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सभी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं जिनकी चाहे स्लो कैपेसिटी है, सॉरी स्लो एसएस स्पीड है, चाहे हाई एसएस स्पीड है, चाहे लो कैपेसिटी है आपकी, या आपके हाई कैपेसिटी है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि स्लो बट हाई कैपेसिटी ऑक्सिलरी मेमोरी टू रिलेटिवली फास्टर मेमोरी। मतलब मेमोरी हायरार्की की जब बात करेंगे तो वैसे इसमें आएगी कैशे आएगी सबसे पहले, उसके बाद आपकी रैम आती है, उसके बाद आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैश का नया कंसेप्ट आ गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका सीपीयू है,
तो सीपीयू वैसे सबसे पहले कैशे को असेस करता है, कैशे के बाद वो उसके पास सबसे नज़दीक जो है रैम को असेस करता है, और जो ऑक्सिलरी मेमोरी है ये रैम मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली असेस नहीं करता, ऑक्सिलरी मेमोरी से हम डाटा उठा के रैम में लेके आते हैं। ठीक है, तो अब इसे मेमोरी हैक की कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें तो ये ऊपर को स्पीड जो है वो बढ़ रही है, और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये इस कैपेसिटी जो है नीचे को घट रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बॉटम पे आपकी सबसे स्लो स्पीड और हाई कैपेसिटी होगी, और ये टॉप पे आपकी आ गई सबसे हाई स्पीड और लो कैपेसिटी आ गई। ठीक है, तो अब इसमें कैशे मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो नया है। तो कैशे मेमोरी क्या है, एक हमने क्या करते हैं, मतलब आपकी जो रैम है इसकी स्पीड भी आपके सीपीयू के साथ मिसमैच होती है। सीपीयू की स्पीड जो है, या आप कह सकते हो सीपीयू की जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो रैम की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स जितना भी आपको टाइम असेस में लगेगा या प्रोसेसिंग में लगेगा, तो वो किससे अफेक्ट हो रही है, सिर्फ रैम की स्पीड से। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी स्पीड जो सीपीयू है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे या वेला ना रहे और उसकी स्पीड बढ़ती रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैम की जगह उससे भी ज़्यादा फास्ट मेमोरी के कैशे को यूज़ करते हैं। जो कैशे होते हैं ये बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कैशे की जो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सीपीयू अब क्या करेगा, सीपीयू है वो डायरेक्टली पहले कैशे से वैल्यू को ढूंढता है, और क्योंकि कैशे की स्पीड ज़्यादा है तो वो आपके ये जो मिसमैच था सीपीयू और रैम की स्पीड में मिसमैच था, उससे उसको कह लो कंपनसेट कर देता है। मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि जिस रैम से हम डाटा उठा रहे हैं तो रैम की जो स्पीड है वो कम है, तो उससे हमारे ओवरऑल सीपीयू की जो स्पीड है वो कम होगी। तो अगर हमने उससे भी ज़्यादा फास्ट वाली मेमोरी लगा दी तो उससे क्या होगा कि आपकी सीपीयू की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसे लिखा रखा होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सेगमेंट्स। अब जो कैशे में हम स्टोर क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा नहीं प्रोग्राम स्टोर करते हैं, हम उसके सेगमेंट्स यानी कि उसके हम छोटे से छोटे हिस्से जो हैं वो स्टोर करके रखते हैं, या हम इसमें टेम्परेरी डाटा को जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी ये इसकी जनरल डायग्राम है मेमोरी हायरार्की की कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी मेमोरी आ रही है। अब ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी में हमने बात की थी, मतलब ये ऑक्सिलरी मेमोरी सिर्फ मेन मेमोरी के साथ बात करता है। तो ये इसको अगर आपने ऑक्सिलरी मेमोरी पे के ऊपर डाटा कुछ भेजना है, या इससे डाटा आपको मेन मेमोरी में उठा के लेके आना है, तो आपको इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मैनेजेस द डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन ऑक्सिलरी मेमोरी एंड द मेन मेमोरी। ठीक है, और आप दो और जो आपका कैशे है, द कैशे ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू। अगर आपको सीपीयू, वैसे तो सीपीयू मेन मेमोरी को भी डायरेक्टली असेस कर सकता है, पर सीपीयू मेन मेमोरी को अब कैशे के थ्रू असेस करेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसने मेन मेमोरी से कुछ असेस किया, अब उसको उसने कैशे में वो उसको रख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैशे में पहले उसको ढूंढेगा, जो भी उसको डाटा की रिक्वायरमेंट है। अगर उसको कैशे में मिलता है तो वो वहीं से असेस करता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। इन केस उसको कैशे में से डाटा नहीं मिलता तो फिर वो दोबारा मेन मेमोरी के पास जाएगा, वहाँ से डाटा उठा के अस यूज़ कर लेगा, साथ के साथ उसको कैशे में कॉपी कर लेगा ताकि नेक्स्ट टाइम उसको वो डाटा कैशे से मिल जाए। ठीक है, ये हमने पहली बात कर ली कि इसका जो रीज़न है, ये हमने ये मेमोरी हायरार्की क्यों बनाई है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब सिर्फ पैसे के कारण की है। कि यहाँ पे जैसे स्टोरेज ज़्यादा है, ऑक्सिलरी में स्टोरेज ज़्यादा है पर स्पीड कम है, मेन मेमोरी में स्टोरेज कम है और स्पीड ज़्यादा है, कैशे में तो मेमोरी और भी कम है पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम ओवरऑल आपके कंप्यूटर की जो एवरेज ऐसा स्पीड है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज एक्सेस स्पीड। हम कंप्यूटर की एवरेज एक्सेस स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, हम जो है इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बट साथ के साथ जो हमारी कॉस्ट है उसको भी हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन जो मेमोरी हायरार्की का जो मेन मोटिव वो यही होता है कि आपने अपने कंप्यूटर की एवरेज एक्सेस स्पीड को बढ़ाना है, आपकी स्टोरेज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है इसमें एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, या मल्टी प्रोग्रामिंग का जो मेन आप कह लो इसका मोटिव क्या है, कि आपका जो सीपीयू है ये आइडल नहीं रहना चाहिए। मतलब आपका जो सीपीयू है वो वेला नहीं रहना चाहिए, उसको हमेशा कोई ना कोई जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल होना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पे मेन मेमोरी है यानी कि जो रैम है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको लोड करके रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जब लोड किए होते हैं तो उन प्रोग्राम्स को सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता रहता है। पहले वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, अगर उस प्रोग्राम में कुछ वेट करना है या उसको कोई इनपुट आउटपुट का काम करवाना है तो वो इनपुट आउटपुट काम करने चला जाता है, उतनी देर में सीपीयू किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो यानी कि सीपीयू के पास हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम अवेलेबल रहता है जिसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या है कि सीपीयू को जो है हम हमेशा यूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश करते हैं। तो अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक स्पेशल नीड होती है मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में रखा है। अब क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी मेमोरी में ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कुछ ही प्रोग्राम्स अवेलेबल है, हमारे पास सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे इंस्टॉल्ड हैं और हम सब काफ़ी को एट सेम टाइम रन करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से प्रोग्राम के कौन से हिस्से को, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम भी कभी इकट्ठा एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा एग्जीक्यूट होता है, तो या आप कह लो कि उसके कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, तो कौन जो जो उसका पर्टिकुलर सेगमेंट या उसका पार्ट जो एग्जीक्यूट होगा उसको मेन मेमोरी में लोड करना। और मेन मेमोरी में से कई जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएंगे, कई वेटिंग स्टेट में जाएंगे, तो मेन मेमोरी से प्रोग्राम्स को वापस ऑक्सिलरी मेमोरी में भेजना या टेम्परेरीली भेजना। ठीक है, टोटल स्पेस जो मेन मेमोरी की है उसको कैसे अकोमोडेट करना ताकि मैक्सिमम प्रोग्राम्स आपके आ सके हैं। ठीक है, तो कौन से सेगमेंट को मेन मेमोरी में रखना है, प्रोग्राम के सेगमेंट को किसको बाहर निकालना है, तो ये सारे काम करने के लिए हमारे पास जो है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेन मेमोरी का कंसेप्ट, कि मेन मेमोरी अब हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि इसमें क्या है। तो पहले तो सेम ही थ्योरी रहेगी कि जो मेन मेमोरी है, अब इसमें टेक्निकली कुछ बताया जाएगा कि जो मेन मेमोरी है वो आपकी सेमी कंडक्टर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर जो है आपकी ये बेस्ड होती है, मतलब इनको यूज़ करके ये बनती है। तो जो आपकी मेन मेमोरी है ये दो तरह की होती है, आपकी ये स्टैटिक भी हो सकती है और डायनामिक भी हो सकती है। ठीक है, अब स्टैटिक रैम का क्या मतलब और डायनेमिक रैम का क्या मतलब वो हम देख लेते हैं। जो स्टैटिक रैम है इसमें हम फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं और इसमें हम बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम में हम इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं जो कि आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जब तक आपकी पावर रहेगी तब तक इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी, मतलब आपकी वो स्टोर रहेगी। ठीक है, द स्टोर इन्फॉर्मेशन रिमेन वैलिड एज लॉन्ग एज द पावर इज अप्लाइड टू द यूनिट। जबकि जो डायनेमिक रैम है ये क्या करता है, ये स्टोर तो आपकी बाइनरी इन्फॉर्मेशन ही करता है, इट विल स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन, बट वो करेगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टोर क्या करता है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इसको डायरेक्टली हमने सेव नहीं किया हुआ है फ्लिप फ्लॉप ने, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह उसको सेव किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हम किस में सेव करते हैं, हम कैपेसिटर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो ये कैपेसिटर है ये आपको जिन्होंने तो नॉन मेडिकल पढ़ा होगा उनको ये समझ में आ रहे होंगे कि आईसी क्या होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं इस तरह का। ये ब्लैक सा आपने अगर मदरबोर्ड कभी देखा हो तो उसमें ऐसे ब्लैक सा कलर का होता है और ऐसे इसकी जो लेग्स निकली होती हैं इसको हम आईसी बोल देते हैं। जो कैपेसिटर्स होते हैं ये आपके ऐसे इस तरह होते हैं, सिलेंडर से होते हैं, उनकी जैसे लेग्स ही नीचे लगी होती हैं। और आपके पास ट्रांजिस्टर होते हैं वो आपके ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, इनकी थ्री लेग्स यहाँ जहाँ तक मुझे याद है थ्री लेग्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये आपके कैपेसिटर्स होते हैं। ये भी हम हार्डवेयर की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर्स के अंदर जो है वो चिप लगी होती है जिसमें आपने
जो इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से कर रखी होती है। अब ये जो चार्ज होता है ये डिके होता रहता है, मतलब या आप कह सकते हो टाइम के साथ ये इसकी जो पावर है वो कम होती रहती है। तो उसके पावर को मेंटेन करने के लिए हमें इसको, या उसको कह लो उसको बार बार रिचार्ज करने के लिए हमें रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। वी नीड टू डू रिफ्रेशिंग फॉर रिचार्ज, मतलब उसका, क्योंकि आपका डाटा ही इन द फॉर्म ऑफ चार्ज है, तो अगर आपका चार्ज रहेगा तभी आपको डाटा जो आप रिट्रीव कर पाओगे, अदरवाइज जो है इसका जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेशिंग हम कैसे करते हैं, हम सिर्फ उस वर्ड को बार बार यूज़ करते रहते हैं। जब आप उस वर्ड को एक बार असेस कर लोगे तो वो दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो रिचार्जिंग इज़ डन बाय साइकिलिंग थ्रू द वर्ड्स। आप वर्ड के थ्रू, मतलब साइकिल, उसको चेक कर लेते हो एवरी फ्यू मिली सेकेंड, उसको बार बार, थोड़ी देर बाद उसको बार बार चेक करते रहते हो। ठीक है, तो डायनेमिक रैम का अब बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आपकी पावर कम यूज़ होती है, क्योंकि पावर आपने लगातार नहीं आप यूज़ कर रहे, आपका जो चार्ज है वो डिके होता जा रहा है टाइम टू टाइम, तो आपकी पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है, और आपको जो स्टोरेज स्पेस मिलती है वो भी आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, जबकि जो स्टैटिक रैम है वो, उसको यूज़ करना तो आसान है, पर उसके और उसमें जो रीड राइट साइकिल है, इसके जो रीड राइट साइकिल हैं वो डायनेमिक से भी कम है, मतलब इसको रीड या राइट करना वो ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो इसी कारण आपकी जो स्टैटिक जो रैम है इसको हम कैशे में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी स्टैटिक रैम है उसको हम कैशे एज ए यूज़ कर लेते हैं, और जो आपकी डायनेमिक रैम है वो हम एज अ रैम भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो डायनेमिक रैम इज़ यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मेन मेमोरी, और जो स्टैटिक रैम है इट इज़ यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कैशे मेमोरी। उसके बाद एक आता है यहाँ पे रोम का कंसेप्ट। ठीक है, तो रोम क्या है, आपकी रीड ओनली मेमोरी। अब क्या होता है कि जैसे हमने रैम में तो क्या किया कि जो भी आपका डाटा है वो वॉलेटाइल है, वो तब तक रहता है जब तक आपका पावर अवेलेबल है, बट हमें कंप्यूटर में कुछ ऐसे, ये भी आपकी रैम का ही हिस्सा होता है, मतलब रैम का कुछ पोर्शन जो है वो रोम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द मेन मेमोरी जनरल कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ रैम, बट अ पोर्शन ऑफ मेमोरी मे बी कंस्ट्रक्टेड विद द रोम चिप्स, मतलब रैम का कुछ हिस्सा जो हम रोम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑल दो रोम को भी हम रैंडम एसेस ही बोलते हैं, बट इसमें क्या है कि जो प्रोग्राम और डाटा जो है हमने बोला कि इसमें परमानेंटली स्टोर होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, इसमें आप या तो कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो सेव करोगे, या कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो कभी भी आप चेंज नहीं करना चाहते रोम में। ठीक है, रैम नहीं है यहाँ पर, रोम की बात कर रहे हैं, मतलब रैम का ही हिस्सा है रोम, तो रोम में हम वो वाले कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो होती है वो होती है आपकी बूट स्ट्रैप लोडर। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या है, ये एक प्रोग्राम होता है जो आपके ओएस को लोड करने के बारे में बताता है, या कह लो कि ओएस को कैसे लोड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है, उसकी सारी जानकारी बूट स्ट्रैप लोडर के पास होती है। तो होता क्या है कि जब भी आपका कंप्यूटर में पावर ऑन होती है तो जो आपका पीसी है, हम बार बार बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर, तो उसमें फर्स्ट एड्रेस चला जाता है, तो जो फर्स्ट एड्रेस है वो आपके बूट लोडर का एड्रेस जो है वो आपके बता देता है, और बूट लोडर जब एग्जीक्यूट होता है तो ये हमें बता देता है कि हमने ओएस को कैसे लोड करना है, या आप कह दो कि ओएस के कुछ हिस्से को ये लोड कर देता है। उसके बाद आपकी जो रैम है वो एक्टिवेटेड हो जाती है, और इसमें जो है आपका पूरा का पूरा ओएस जो है वो लोड हो जाता है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ये बूट लोडर है ये कभी भी डिलीट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप बूट लोडर को हमेशा किस में रखते हो, आप रोम में रखते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी चिप्स के बारे में, मतलब रैम रोम चिप्स किस तरह की हैं, या वो कैसे काम करती हैं, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो रैम चिप जो है ये आपकी सीपीयू के साथ बढ़िया कम्युनिकेशन करती है, क्यों, बिकॉज इसमें बहुत सारे कंट्रोल इनपुट्स होते हैं, और इसमें हम जो चिप्स हैं उनको सिलेक्ट तभी करते हैं जब हम उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें एक बस लगी होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि उससे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी कि रैम में हम लिख भी सकते हैं और उससे हम रीड भी कर सकते हैं। इसकी हम डायरेक्टली डायग्राम देखते हैं, तो
तो ये है आपकी टिपिकली रैम चिप। तो ये चिप सेलेक्ट वन के अगर आपने पहली चिप को सेलेक्ट करना है, उसके बाद चिप सेलेक्ट टू, CS1, CS2। तो रीड को हमने RD के रिप्रेजेंट कर दिया, राइट WR से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपकी हमने एक रैम ले ली, तो जिसमें 8 बिट डाटा बस है, ठीक है, यानी कि 8 बिट का डाटा आप यहाँ पे करते हो और रीड राइट आप करते हो, और 7 बिट का आपके पास एड्रेस है, यानी कि किस एड्रेस पे आपने लिखना है या किस एड्रेस से आपने रीड करना है। तो इसका फंक्शन टेबल आप देख लीजिए, यही हमें समझने की ज़रूरत है। तो CS की वैल्यू अगर तो 0 0 है तो कुछ नहीं होगा, ये इनहिबिट स्टेट में चली जाएगी, यानी कि हाई इम्पीडेंस, यानी कि ये कनेक्शन ही नहीं बनेगा। अगर CS1 और CS2 01 है तब भी आपका ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में ही रहेगा। अगर CS10 है तब ये रीड राइट काम करना शुरू करेगा। तो पहले रीड राइट का कॉम्बिनेशन हमने 00 का देख लिया, तब भी हाई इम्पीडेंस स्टेट। अगर ये 01 है तो राइट का 1 हो गया, तो इसलिए हमने राइट करना शुरू कर दिया, यानी कि रैम में हम डेटा भेजेंगे। और अगर ये वैल्यू 1 है तो आप रीड करोगे। तो यहाँ पे ये तीनों जगह जो है ये वैल्यू 10 ही रह रही है, पर 10 के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के ऊपर ये वाला हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, कुछ करना है या हमने रैम को रीड करना है या राइट करना है। और अगर ये स्टेज दोबारा 1 1 हो गई तो हमने मतलब ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में, हाई इम्पीडेंस स्टेट का मतलब होता है कि आप ऐसा सोच लो कि कनेक्शन टूट गया, तो आपका जो रैम है वो आपकी फ्री रहेगी, उसको कुछ हमें करने की जरूरत मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना रीड कर सकते ना राइट कर सकते। तो इस फंक्शन टेबल में आपका क्या है कि आप रीड राइट कब करते हो, जब आपके CS की वैल्यू 1 हो और CS2 की वैल्यू जो है वो 0 हो, इसी केस में सिर्फ आप जो है रीड राइट कर सकते हो। तो ये हार्डवेयर लेवल पे कैसे काम करता है, तो उसका हमने ये जो सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम देखी है। अब इसके बाद आती है आपकी एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी। अब ये क्यों हमने इंट्रोड्यूस की है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, तो हम वो देखते हैं। तो अब क्या होता है कि हम कोई भी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें सर्चिंग ही करते हैं मेनली। तो मतलब सर्चिंग हम किसके बेस पे करते हैं, हम एड्रेस के बेस पे करते हैं, कि हमें मेमोरी वर्ड जिसको हमने रीड करना होता है उसका हमें एड्रेस पता है, हम वो एड्रेस को ढूंढते हैं, फिर हम उस आइटम को वहाँ से वो रीड करते हैं, ठीक है। तो जो सर्च प्रोसीजर का मतलब क्या होगा कि आपने आपको एड्रेस मिल गए, हर एड्रेस पे आप मेमोरी कंटेंट को पढ़ते हो, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो हमने रीड की होती है उसको आप जिस आइटम को ढूंढ रहे हो उसके साथ मैच करते हो। अगर आपका मैच हो जाए तो आप उसको यूज़ कर लेते हो, अदरवाइज़ आप फिर फर्दर आगे चलते रहते हो। तो अब जो नंबर ऑफ असेस हैं, मतलब आपको मेमोरी कितनी बार असेस करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी आइटम की लोकेशन क्या है, या फिर आपका जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो बन चुके हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे पास। तो अब इसमें टाइम जो हमें लगेगा उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसमें अभी ये कंसेप्ट है कि अगर हमने अब जो सर्चिंग में क्या होता है कि हम हमेशा टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम टाइम कैसे रिड्यूस करेंगे, अगर हम डाटा को कंटेंट के हिसाब से सर्च करें इंस्टेड ऑफ एड्रेस। अब ये समझो क्या मतलब है इसका, मतलब जैसे आप किसी गांव में चले जाओ, वहाँ पे आप बोलो हाउस नंबर फलाना, ठीक है, लैंडमार्क, ये आप पूरा एड्रेस बोलो, तो वहाँ पे हाउस नंबर के हिसाब से आपको घर ढूंढना मुश्किल है। बेटर क्या, आप सीधा उस बंदे का नाम ले लो जहाँ जिसको आपने मिलना है, तो उसके हिसाब से आपको जो घर है वो जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे रैम में है कि आपको कंटेंट के हिसाब से अगर ढूंढो आप, तो वो बेटर ऑप्शन है, या आप कह लो ज़्यादा स्पीडी ऑप्शन है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ एड्रेसेस के बेस पे जो डाटा है उसको सर्च करने की कोशिश करते हो। तो इसी मेथड को यूज़ करके अगर हम कंटेंट को डायरेक्टली सर्च करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एसोसिएटिव मेमोरी है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप कंटेंट के बेस पे किसी मेमोरी में सर्च करते हो, या कह लो कि इस तरह की आप मेमोरी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो हम बोलते हैं उसे एसोसिएटिव मेमोरी। इसे हम CAM कैम भी बोलते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप मेमोरी को पैरेलली जो है आप असेस कर सकते हो, जब भी आपने एक वर्ड को राइट करना है एसोसिएटिव मेमोरी में, और आपको
कोई एड्रेस नहीं मिला तो मेमोरी जो है वो अपने आप कोई ना कोई लोकेशन ढूंढ लेगी जो फ्री है और वहाँ पे वर्ड को राइट कर देगी। और जब आपने वर्ड को रीड करना है तो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है कि वो कंटेंट के बेस पे या उस डेटा के किसी पोर्शन के बेस पे सर्चिंग करती है, ना कि उसके एड्रेस के बेस पे। ठीक है, अब एसोसिएटिव मेमोरी जो है ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पैरेलल सर्चेस के लिए, क्योंकि हमने बोला कि इसको हम पैरेलली यूज़ करते हैं। तो अगर आपने पैरेलल सर्चेस को ज़्यादा से यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, आप ऑक्सिलरी मेमोरी का जो है वो यूज़ करोगे। अब एसोसिएटिव मेमोरी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब ये महंगी है। ठीक है, क्योंकि हर सेल में हमें स्टोरेज कैपेसिटी भी लगानी है और साथ के साथ हमें लॉजिक सर्किट्स भी लगाने हैं जो कि हमें मैचिंग के लिए हेल्प करे। मतलब क्योंकि आपने डायरेक्टली कंटेंट को मैच करना है तो आपको हर सेल में आपको क्या चाहिए, आपको लॉजिक चाहिए, तो इसलिए ये आपको एक्सपेंसिव मिलती है, महंगी पड़ जाती है आपको। ठीक है, तो ये हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका जो टाइम क्रिटिकलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका सर्चिंग टाइम आपको कम से कम चाहिए। ठीक है, उस केस में हम ये एसोसिएटिव मेमोरी को जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम जो है इसका ये देख लेते हैं हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको देखते हैं। तो हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इसमें एक आर्गुमेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, आर्गुमेंट रजिस्टर में हम वो वाला वर्ड लिखते हैं जिसे हमने ढूंढना होता है। आर्गुमेंट में हमने वो वाला लिखना होता है जिसे हमने सर्च करना होता है। उसके बाद की रजिस्टर होता है, तो की रजिस्टर में हम बिट्स लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जो बिट आपकी वन होगी, जो जो बिट आपकी वन होगी उसी बिट को हम जो है वो सर्च करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे वर्ड तो आपको दे दिया पर हम वर्ड को भी सारा नहीं सर्च करते, क्योंकि हमने बोला था कि वर्ड के कुछ पोर्शन को भी हम सर्च कर सकते हैं। तो वो कौन सा पोर्शन को हमने सर्च करना है वो हमें की रजिस्टर बताता है। मतलब की रजिस्टर की जहाँ जहाँ वैल्यू वन होगी उस बिट की वैल्यू को हमने मेमोरी में जो है सर्च करना होता है। अब उसके बाद आते हैं आपके एसोसिएटिव मेमोरी एरे और लॉजिक। तो इसमें मान लीजिए एम वर्ड्स हैं, हर वर्ड की जो है एन बिट हैं, मतलब एम वर्ड्स हमारे पास 512 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड जो है वो 8 बिट का है। आप इस तरह समझ लीजिए, तो इसको इनपुट भी जा सकती है, इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं और इससे आउटपुट भी हमें मिल जाती है, यानी कि हम डाटा रिट्रीव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि मैच रजिस्टर। मैच रजिस्टर मतलब जो जो सर्च हम कर रहे हैं अगर उसकी, क्योंकि एसोसिएटिव मेमोरी में ऐसा तो है नहीं कि अगर एक ही वर्ड होगा, बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो जो भी वर्ड आपका मैच होगा उसकी मैच बिट जो है उसको हम 1 सेट कर देंगे और बाकियों को सारी 0। ठीक है, अब जब ये रीड करेगा तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ मैच रजिस्टर की वैल्यू 1 है उस वर्ड को जो है वो ये रीड कर लेगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे एग्जांपल एक दे रखी है, जैसे ए आपका आर्गुमेंट रजिस्टर हो गया तो इसमें हमने ये वाला सर्च करना है, ये आपका मेमोरी वर्ड सर्च करना है, और ये हमने की दे दी। तो की में भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस इतने पोर्शन को 1 1 दे रहे हैं, यानी कि हमने पहले 3 बिट्स को ही मैच करना है, बाकियों को हमें मैच ही नहीं करना। तो हमारे पास ये वर्ड पड़ा है, एक ये वर्ड है। ठीक है, इस वर्ड का जैसे आप देखिए चाहे लास्ट पोर्शन बिल्कुल साथ मैच कर रहा है पर हमने ये तो मैच ही नहीं करना, हमने क्या करना है सिर्फ जहाँ पे की वैल्यूज़ 1 है तो आप उतना हिस्सा मैच करोगे तो ये मैच नहीं होगा, इसलिए इसने बोल दिया नो मैच। अब की के हिसाब से ये पहली 3 बिट्स जो है ये मैच हो गई तो इसलिए इसने बोल दिया मैच, बाकी चाहे मैच हुई या नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा जो बेस है हम इसको तो मैच कर रहे हैं पर किसके कहने पर या किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से ये आपकी जो सेकंड वर्ड है ये आपका मैच निकल आ गया। तो ये है आपकी एसोसिएटिव मेमोरी। इसके बाद हम देखते हैं आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, ठीक है, तो कैशे मेमोरी का जो बेस है, मतलब कैशे मेमोरी किसके ऊपर बेस्ड है, जब हम कैशे मेमोरी का क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज़ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या ये मतलब है कि जो आपका प्रोग्राम होता है या जो भी आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो उसके आपके कुछ की ऑपरेशंस हो सकते हैं, या आप ऐसा बोलो कि उसमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे एक प्रोग्राम बनाए, वर्ड में लिखा, प्रिंट एफ लिखा, स्कैन एफ लिखा, सब कुछ लिखा, उसके बाद आपने फॉर लूप लगा दी। अब फॉर लूप लगा दिया आपने लेस देन 100 तक, उसके बाद आपने इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी, फिर आपने प्रिंट एफ किया, गेच किया, बंद किया, सब कुछ कर दिया, है ना। तो अब इसमें देखा कि आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो एक एक बार एग्जीक्यूट होगी पर ये जो फॉर लूप वाली हैं ये 100 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा
जो सीपीयू है वो किसको असेस करेगा, इसको, इतने वाले पोर्शन को। अगर इतने वाले पोर्शन को आप रैम की बजाय कैशे में रख दो तो क्या है कि आपकी सीपीयू की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो आपका डाटा एक किस्म का लोकल बन जाता है, जहाँ आपका जो प्रोग्राम है उसका कुछ हिस्से को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, बाकी को तो आप बहुत कम यूज़ करते हो। तो जिसको बहुत कम यूज़ करते हो उसको रैम में रखो, और उसको जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसको आप कैशे में रख दो। तो इसी कंसेप्ट के बेस के ऊपर आपकी कैशे मेमोरी काम करती है, ठीक है। सो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम पीरियड में, द एड्रेस जनरेटेड बाय टिपिकली प्रोग्राम, जो भी एड्रेसेस प्रोग्राम जनरेट करता है उनमें से भी कुछ प्रोग्राम जो है दे आर टू ए फ्यू लोकलाइज्ड एरिया, मतलब उनमें से भी जो कुछ एड्रेसेस हैं वो सिर्फ कुछ लोकल एरिया के ऊपर ही रह जाते हैं। मतलब इस केस में जैसे फॉर लूप वाले ही आपके एड्रेस जनरेट होंगे, ठीक है, ऑफ रिपीटेडली, मतलब इनको ही बार बार जनरेट वो करता रहता है, वाइल द रिमाइंडर ऑफ द मेमरी इज असेस्ड रिलेटिवली इनफ्रिक्वेंटली, बाकियों को हम बहुत कम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे ही हमने जब कैशे में रख लिया तो हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है कि ऑल दो कैश इज ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ मेन मेमोरी, अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वेस्ट विल बी फाउंड इन द फास्ट कैश मेमोरी। चाहे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी सभी जो रिपीटेडली सबसे ज़्यादा उनके जो जो पोर्शन आप ऐसा लिख लो, या सेगमेंट्स जो उनके सबसे ज़्यादा पोर्शन जो जहाँ सेगमेंट्स जो एग्जीक्यूट होते हैं, जब उनको हमने कैशे में ही रख लिया तो आपकी सीपीयू की जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट है वो कैशे ही आपके फुलफिल कर देगा, और रैम, आप रैम को जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस केस में आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब भी सीपीयू को मेमोरी को असेस करेगा वो सबसे पहले कैशे को देखता है, अगर उसको कैशे में मिलता है तो वो उसको यूज़ कर लेता है, डाटा का यूज़ कर लेता है, अदरवाइज़ वो मेन मेमोरी में जाता है, वहाँ से वर्ड को रीड करता है और उसको साथ के साथ आपकी कैशे में जो वो कॉपी कर लेता है, ठीक है। अब जो कैशे की परफॉर्मेंस है हम उसको हिट रेशो के साथ जो है वो मैयर करते हैं, हिट रेशो के साथ जो है हम परफॉर्मेंस मैयर करते हैं। अब हिट रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, वो होती है हिट ओवर हिट प्लस मिस। तो हिट का मतलब क्या है कि आपने कैशे को आपको कोई एड्रेस चाहिए, आपको कोई डाटा चाहिए, वो अगर आपको, आपने रिक्वेस्ट भेजी कैशे को, अगर आपको कैशे में से वो डाटा मिल गया तो उसे हम बोल देते हैं हिट। तो अगर वो डाटा आपको कैशे में नहीं मिला, आपको रैम असेस करनी पड़ी, और रैम असेस करने के बाद आपने उस डाटा को कैशे में लिया होगा, पर आपको जब रैम असेस करनी पड़ी तो वो आपका मिस में कैलकुलेट होगा। अब टोटल नंबर ऑफ असेस अगर आप देखो कैशे के, मतलब जितनी बार भी आप कैशे को असेस करते हो तो या तो आप हिट हो गए या मिस हो गए, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ असेस नीचे आएंगे और ऊपर आएगा हिट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी बन जाएगी हिट रेशो। तो जैसे जैसे हिट की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं, इस तरह हम जो है कैशे की जो है परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं, ठीक है। इफ़ द हिट रेशियो इज़ हाई तो इट मीन्स आपका सीपीयू जो है उसको कैशे से सारे डेटा मिल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, रेदर देन इट हैज़ टू असेस मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी असेस करने की बजाय उसको मैक्सिमम डाटा जो है कैशे में ही मिल जाता है, ठीक है। तो इस आपका जो एवरेज जो असेस टाइम है वो आपका फिर कितना बन जाएगा, जितनी देर में आप कैशे को असेस करते हो, मतलब क्योंकि ज़्यादा आप कैशे को असेस कर रहे हो तो आपका जो एवरेज असेस टाइम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब उसके बाद आपका आता है कि जो आपका कैशे मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है, तो इसमें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी इज़ रेफर टू एज मैपिंग प्रोसेस। मतलब आपको, हम बोल रहे हैं कि जो डाटा आपको कैशे में नहीं मिलेगा तो मेन मेमोरी से आप उठा कैशे में डालोगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैपिंग। आप क्या बोलते हो, मैपिंग प्रोसेस। मैपिंग मतलब आपने मेन मेमोरी से डाटा उठाया और उसको आपने कैशे में राइट किया जब, तो इसे मैपिंग बोलते हैं। तो ये मैपिंग करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, वन है एसोसिएटिव फर्स्ट जो है, सेकंड है आपकी डायरेक्ट मैपिंग, और थर्ड है आपकी सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये हम देख लेते हैं वन बाय वन के ये किस तरह है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या माना है कि हमारे पास एक मेन मेमोरी है, उसमें आप 32 के आपके पास वर्ड्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास वर्ड हैं, ये हर वर्ड की जो है बिट है, मतलब हर एक में इतनी बिट होंगी,
कैश मेमोरी में हमारे पास सिर्फ 512 वर्ड हम रख सकते हैं, और 12 बिट का जो है हर एक आपका वर्ड होगा। ठीक है, तो पहले हम जो है एसोसिएटिव मेमोरी को सबसे पहले देख लेते हैं। तो एसोसिएटिव मेमोरी में हमने क्या बोला है, इसमें हमारे पास जो सीपीयू का एड्रेस है वो 15 बिट का है। ठीक है, तो ये जो 15 बिट का एड्रेस है वो यहाँ पे आप देखिए अगर रिप्रेजेंट कर रखा है तो ये 5 डिजिट्स ले रखे हैं, तो ये ऑक्टल में इन्होंने एड्रेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है एसोसिएटिव मेमोरी में। और ये आपका जो डेटा है, हमने 12 बिट के डेटा पढ़े हैं पीछे, अभी डायग्राम में हमने देखा था यहाँ पे 12 बिट का वर्ड था, तो हमने ये 12 बिट को हमने 4 डिजिट्स यानी कि ये भी ऑक्टल हमने यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो सीपीयू का जिस एड्रेस को हमने ढूंढना है, मतलब जो कैश है, अब जब हमने कैश को एक्सेस करना है तो हम एड्रेस को ढूंढ रहे हैं, पर हम जो कैश एड्रेस है उसको एज ए डाटा इसमें एसोसिएटिव मेमोरी में रख रहे हैं, क्योंकि एसोसिएटिव मेमोरी में हमने पहले ही पढ़ा था कि हम कंटेंट के बेस पे एक्सेस करते हैं, तो हमने कंटेंट रखा हुआ है यहाँ पे उसको एज अ। तो पहले जो भी आपका डाटा होगा आर्गुमेंट रजिस्टर में चला जाएगा, और बेस्ड ऑन की आप क्या करोगे, एड्रेस को फाइंड आउट करोगे। तो अगर आपको एड्रेस जो है वो मिल जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा को आप जो है वो असेस कर लोगे। अगर आपका कोई मैच नहीं होता डाटा तो आप क्या करोगे, मेन मेमोरी में जाओगे, वहाँ से आपका एड्रेस और डाटा पेयर को उठाओगे और उस दोनों को आप कैशे में रख लोगे। ठीक है, तो अगर आपका कैशे बाई चांस फुल हो गया तो आपको एक एड्रेस डाटा पेयर को उठा के बाहर ले जाना है। ठीक है, तो अब किसको बाहर लेके जाना, उसके लिए हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होते हैं। तो मतलब कैशे को आपने जब पहला जो मेथड हमने पढ़ा उसमें सिंपल क्या है कि एसोसिएटिव मेमोरी की तरह आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप एड्रेस और डाटा दोनों को इकट्ठा रख लेते हो एसोसिएटिव मेमोरी में। तो जब आपको एड्रेस आया तो आप एड्रेस को एज अ पार्ट, मतलब जब हमने की रजिस्टर इसका बनाएंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो 5 वैल्यूज़ है वो 1 वर कर देंगे, बाकियों को हम 0 कर देंगे। तो क्योंकि हमने पहले जो है वो डाटा को ही सॉरी एड्रेस को ही मैच करना है, अगर आपका एड्रेस मिल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा को आप उठा लोगे। ठीक है, क्योंकि ये पेयर इकट्ठा रहेगा। तो उसके बाद आया था आपका डायरेक्ट मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग में एसोसिएटिव अभी क्या है कि हमें पहले पता है एसोसिएटिव जो है एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको हर सेल पे लॉजिक चाहिए कंपैरिजन करने के लिए कंटेंट के साथ, तो इसलिए वो महंगा है। तो इसका जो अभी इसने कह लो कि लेस कॉस्टली मेथड जो निकाला है उसके लिए इसने क्या किया, जो आपका 15 बिट का एड्रेस है उसको 2 बिट्स में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो आपकी 9 बिट्स हैं उनको इसने इंडेक्स में कवर कन्वर्ट कर दिया, और बाकी की जो 6 बिट्स हैं उनको इसने टैग में कन्वर्ट कर दिया। तो इनको इसने ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया, तो 9 बिट्स के लिए हमें 3 लगेंगी और 6 के लिए 2 बिट्स लगेंगी, तो ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये तो आपकी मेन मेमोरी है ही है। अब इसको आपने मैपिंग करनी कैशे में, तो कैशे में भी आप ये वाला जो इंडेक्स है इसको आप जो है यहाँ पे ले जाओगे। कैशे मेमोरी में आप क्या लेंगे, सिर्फ इंडेक्स लेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स के साथ यहाँ पे फिर टैग अलग लगा होगा अंदर, मतलब कैशे मेमोरी में आप क्या ढूंढोगे, पहले आप इंडेक्स को ढूंढोगे, इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टैग को आप ढूंढोगे। ठीक है, सो ईच वर्ड इन अ कैशे मेमोरी कंसिस्ट ऑफ डेटा वर्ड। कैशे में क्या होगा, आपका टैग होगा और आपका डेटा वर्ड होगा। ठीक है, तो व्हेन द सीपीयू जनरेट्स अ मेमोरी रिक्वेस्ट, जब भी आपकी मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो आप क्या ढूंढोगे, इंडेक्स फील्ड को कैशे में ढूंढने की कोशिश करोगे। द इंडेक्स फील्ड इज़ यूज फॉर द एड्रेस टू द असेस द कैशे। ठीक है, मतलब उसका एड्रेस सीधा आपने कैशे में क्या है, आपने इंडेक्स एड्रेसेस लगा दिए, तो जो आपका इंडेक्स एड्रेस मेमोरी एड्रेस में होगा उसको आप डायरेक्टली कैशे में ढूंढ लोगे, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको टैग मिल जाता है तो आप टैग वाला डाटा जो वो रीड कर लोगे। ठीक है, इफ़ द टू टैग मैचेस देन देर इज़ अ हिट एंड द डिजायर्ड डाटा वर्ड इज़ इन द कैश, वो कैश में आपको मिल जाएगा। अगर वो मैच नहीं हुआ तो इसका मीन्स आपका मिस है, तो आपको रिक्वायर्ड वर्ड आपको फिर मेन मेमोरी से पढ़ना पड़ेगा और उसको आप उठा के दोबारा जो है इसमें ले आओगे, अब मतलब आप कैशे में ले आओगे। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि बाई चांस आपका क्या है कि दो एड्रेसेस में इंडेक्स एड्रेस तो सेम है पर उसका जो टैग है वो डिफरेंट है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी एग्जांपल जो है हम वो देख लेते हैं। जैसे मैंने जो बोला है कि ये आपकी मेमोरी एड्रेस है, इसका ये वाला आपका हो गया इंडेक्स रजिस्टर, ये वाला हो गया आपका टैग एड्रेस। तो मान लीजिए जैसे हमने ये वाले को सर्च करना है, ये वाले को हमने पहले आप इसी को एग्जांपल ये वाले को मान लो चलो। ठीक है, आपने इसको आपने सर्च किया तो इसमें आपका ये आपका इंडेक्स हो गया, तो इंडेक्स तो आपको एज इट इज़ मिल गया और आपने उसका टैग भी मैच हो गया और आपने ये डाटा जो है एक्सेस कर लिया। अब दूसरा केस क्या हो गया, आप मान लो इस वाले को सर्च करना चाहते हो, तो ये आपका इंडेक्स हो गया, इंडेक्स तो आपको मिल गया,
पर अब इसका जो टैग है ये 02 है, पर यहाँ पे 00 है, तो अब आप इसको असेस नहीं कर सकते। तो ये आपकी डिसएडवांटेज होगी, जो हमने पढ़ा था कि आपका इंडेक्स एड्रेस तो मिल गया पर आपका टैग नहीं मिल रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेट एसोसिएटिव लिख दिया। इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया सेट एसोसिएटिव। अब इस केस में क्या है कि एक इंडेक्स के जितने भी टैग्स हैं वो सारे के सारे आप एज अ सेट, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला ना सेट एसोसिएटिव, तो आपने क्या बोला, लिख दिया उसका सेट बना दिया। तो कैशे मेमोरी में आपने मतलब इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी टैग्स हैं, 01 था 02 था, दोनों इसने मेमोरी में रख दिए। अब जैसे इंडेक्स मैच होगा तो आप क्या करोगे, ये सेट मैच कर लोगे और इसमें से जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आप उठा लोगे। जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा, अगर बाय चांस यही रिक्वेस्ट, अब मान लीजिए ये जो रिक्वेस्ट थी आपकी, ये वाली और ये वाली, ये दो रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसने आपकी दोनों फुल हो जाएंगी, मतलब आपका इंडेक्स इस केस में भी इंडेक्स मैच कर रहा था, इस केस में भी इंडेक्स मैच कर रहा था यहाँ पे पिछले केस में, पर आपको टैग एक अवेलेबल था, 02 यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, पर इस केस में आपका दोनों अवेलेबल होगी, तो आप दोनों को एक्सेस कर सकते हो। अब जब आपका कैशे फुल हो जाएगा तो आपको कुछ वैल्यूज़ जो वो निकालनी पड़ेंगी, तो उसके लिए फिर हमारे पास रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है आपकी फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था उसको आप सबसे पहले निकालोगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और LRU होता है एक, वो होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ये था फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट, ठीक है। तो लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब कि जब भी आपने निकालना है तो आप वो वाला डेटा ढूंढोगे जिसको आप सबसे कम आपने यूज़ किया। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस डेटा को निकालें जिसकी हमें फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा मेन मुद्दा ये होता है इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करने का। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका राइट थ्रू द सॉरी राइट थ्रू, और एक आता है राइट बैक। अब ये दो कंसेप्ट क्या हैं ये हम देख लेते हैं। जब भी आप कैशे में राइट करते हो, मान लीजिए आप CPU ने कोई डाटा एक्सेस किया, वो आपको कैशे में नहीं मिला, वो आपको मेन मेमोरी में मिला। अब जब मेन मेमोरी में मिला तो उसके बाद जो है आप, हम बोलते हैं कि उसको हम उठा के कैशे में ले आएंगे। तो अगर उसकी कॉपी आप रैम और कैशे दोनों में रखते हो, मतलब जो डाटा आप उठा के कैशे में लेके आ रहे हो अगर उसकी कॉपी आप रैम और कैशे दोनों में रखते हो, तो उसे हम बोलते हैं राइट थ्रू मेथड। राइट बैक का मेथड क्या है कि आप जो डाटा है वो सिर्फ कैशे में रखते हो, क्योंकि एनी आप रैम से उसको डिलीट कर देते हो या आप रैम में उसको मार्क कर देते हो कि ये डाटा जो है वो कैशे में पड़ा हुआ है। अब ये इसका फ़ायदा क्या है राइट बैक का, कि जब भी CPU रिक्वेस्ट भेजता है मेमोरी एक्सेस की, तो सबसे पहले तो हम कैशे को यूज़ करते हैं। अगर वो डाटा कैशे में अवेलेबल है तो हम रैम को तो कभी देखेंगे ही नहीं, तो इट मीन्स हमें रैम में उस डाटा को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी वो डाटा, अब इसका दूसरा कारण ये भी आप बोल सकते हो कि जो भी उसने मेमोरी एक्सेस करना है या मेमोरी रीड राइट करना है, तो अगर उस वैल्यू को उसने 50 बार अपडेट करना है तो वो बार बार कैशे को ही यूज़ करेगा। तो इसमें हमने ध्यान क्या रखना था कि जब भी उसको कैशे से हम डिलीट करें तो उसकी वैल्यू को हम रैम में अपडेट कर दें, इसमें सिर्फ ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए इसको बोलते हैं राइट बैक, कि हम पहले कैशे में उसको ले आए, कैशे में उसके साथ जो भी अब हमने अपडेशन करनी थी वो कर दी, अब उसको दोबारा राइट बैक कर दो। जब भी उसको कैशे से निकालना है, जब कभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम उस पेयर को या उस डाटा को सिलेक्ट करेगी, उसको हमने बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने से पहले उसके डाटा को वो रैम के ऊपर अपडेट कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाए। इसे हम बोलते हैं राइट बैक। अब उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। अब वर्चुअल का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हमें दिखती है, लगता है कि हमारे पास है पर है नहीं, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो मतलब है, उसी हिसाब से इसके आगे मेमोरी लगा दो, मतलब हम वो मेमोरी जो हमें लगता है कि हमारे पास है पर वो एक्चुअल में हमारे पास होती नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी हायरार्की में क्या है कि डाटा जो है वो, अब ये होता कैसे है वो मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके ऑक्सिलरी मेमोरी है, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क है, और ये आपकी मान लीजिए रैम है। अब हम बार बार क्या पढ़ते हैं कि CPU किसको डायरेक्टली असेस करता है, रैम को असेस करता है। अब रैम है आपकी सिर्फ 2 GB की या 4 GB की, और जो आपका प्रोग्राम है वो हो सकता है 10 GB का, ठीक है। तो
अगर मतलब ये हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हम उन्हीं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो सिर्फ 2 GB के अंदर अंदर रखे हैं, तो इट मीन्स हमारे जो 10 GB के प्रोग्राम हैं वो तो वेस्ट चले गए, उनको तो आप कभी एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी के अंडर है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके कुछ सेगमेंट्स या उसके कुछ कुछ पार्ट्स ही एट ए टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो क्यों ना हम पूरे प्रोग्राम को रैम में लोड करने की बजाय सिर्फ उतने पार्ट्स या उतने पोर्शन या उतने सेगमेंट्स को लोड करें जितने की हमें ज़रूरत है। जितने की ज़रूरत है उतनों को उतना रैम में रख लो, और जिसको जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप यहाँ पे हार्ड डिस्क में ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह क्या है, आपका जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो सकता है। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप गेम्स खेलते हो तो आपका गेम्स का जब आप मैप देखते हो, अगर आपने मान लीजिए कोई रेसिंग लगा दी तो उसमें मैप्स होते हैं ना, तो मैप्स तो उसमें होते हैं कम से कम 100 के करीब, या कह लो आप 200 मैप्स आपके पास पड़े हैं रेसिंग के, ठीक है। पर एट ए टाइम तो आप सिर्फ एक मैप के ऊपर ही रेस लगाते हो, तो इट मीन्स आपके जो बाकी के 100 मैप हैं उनको हमें रैम में लोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहीं पे पड़े रहने दो जहाँ पे हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं जिन्हें जिनका साइज़ तो ज़्यादा है पर फिर भी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो नो इट अलाउज द यूज़र टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम एज लार्ज मेमोरी स्पेस एज अवेलेबल टू इक्वल टू ऑफ द ऑक्सिलरी मेमोरी। वो क्या करता है कि ऑक्सिलरी मेमोरी में जितनी भी उसके पास मेमोरी है उसको लगता है कि मैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये सारा जो हम काम करते हैं इसे हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। मतलब हमारे पास रैम कम है पर हमें देखने में ऐसा लगता है कि हमें रैम की तो कमी कोई आएगी नहीं, हम 10 10 GB की तो प्रोग्राम रन इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो आप कैसे कर पाते हो, एड्रेस मैपिंग के थ्रू। एड्रेस मैपिंग का मतलब क्या है, अब आप वर्चुअली एड्रेस क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप एक वर्चुअल एड्रेस बना रहे हो, मतलब एक आप ऐसा एड्रेस बना रहे हो जो दिखता है कि है पर एक्चुअल में नहीं है, पर वो चाहे दिखे चाहे नहीं पर आपको अल्टीमेटली रैम में तो उसको जो है वो लेके आना ही पड़ेगा। उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपको रैम में रखनी पड़ेगी। तो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ आप कैसे जो है मैनेज करते हो, या आप इसको कैसे वर्चुअल एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप फिजिकल एड्रेस को प्रोवाइड करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ एड्रेस दे दिया तो वो रैम में तो कुछ वो एड्रेस एक्चुअल में होना चाहिए, तो वो आप कैसे करते हो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी यूज टू गिव प्रोग्रामर ये इल्यूजन, हमें ये इल्यूजन ही है कि हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है, पर क्योंकि एक्चुअल में तो हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है। तो द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेसेस, यानी कि प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेस यानी कि ये वर्चुअल एड्रेस, मतलब प्रोग्राम जो अपने मन से एड्रेस दे रहा है, या कह लो कि वो एक एड्रेस बता रहा है कि इस एड्रेस पे आप जाके डाटा उठा लो, वो है तो वर्चुअल ही है, और उसको वी आर ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेस इन टू करेक्ट मेन मेमोरी एड्रेस। मतलब आप मेन मेमोरी में करेक्ट वही एड्रेस को ढूंढ पा रहे हो, तो इसे आप डायनेमिकली बार बार करते हो, तो इसके लिए हम मैपिंग टेबल का यूज़ करते हैं। यानी कि अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि हमें एड्रेस मैपिंग तो हमने करनी करनी है, एड्रेस मैपिंग हमने किससे करनी है, विद द हेल्प ऑफ मैपिंग टेबल। इस टेक्निक के थ्रू हमने जो है ये करना है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं। हमारे पास दो तरह के होते हैं एड्रेस स्पेस होती है हमारे पास, एक हमारे पास होती है मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो मेमोरी स्पेस या एड्रेस स्पेस का मतलब क्या होगा कि जितने भी आप वर्चुअल एड्रेसेस क्रिएट करते हो, वर्चुअल एड्रेस 1, वर्चुअल एड्रेस 2, मतलब आपने जितने भी वर्चुअल एड्रेसेस किए, या आप कह सकते हो सेट ऑफ वर्चुअल टेबल्स को हम मिला के बोलते हैं एड्रेस स्पेस, और सेट ऑफ फिजिकल एड्रेसेस को हम बोलते हैं मेमोरी स्पेस। यानी कि ये वाला हिस्सा आपका हो गया वर्चुअल मेमोरी का, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका मेन मेमोरी का। क्योंकि अभी इसका मतलब जो आपके प्रोग्राम एड्रेस होंगे वो आपके सारे के सारे एड्रेस स्पेस की बात करेंगे। जब हम एड्रेस स्पेस की वर्ड यूज़ करेंगे तो इट मीन्स हम प्रोग्राम ने जो एड्रेस दिए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं जो जनरेट किए हैं, और अगर हम मेमोरी स्पेस की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम मेन मेमोरी के एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम आगे स्टडी करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो एड्रेस स्पेस इज़ अ सेट ऑफ एड्रेस जनरेटेड बाय प्रोग्रामर। द मेमोरी स्पेस कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, विच आर डायरेक्टली एसेसिबल, जिनको हम डायरेक्टली एसेस कर सकते हैं।
तो एड्रेस स्पेस जो है आपकी वो एज मच मतलब हो सक इतनी ज़्यादा हो सकती है नॉर्मली, मतलब जो आपकी एड्रेस स्पेस है वो आपकी मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है। मतलब ये वाला आपका एड्रेस स्पेस हमेशा जो है ये ज़्यादा होगी और ये मेमोरी स्पेस जो आपकी कम होगी हमेशा ही। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमने बार बार पढ़ा है कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं और जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है उसको हम रैम में रखते हैं, जिसकी नहीं होती उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी में क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सारा डाटा जो हमारे डिस्पोजेबल मतलब हमारे पास अवेलेबल हमारी जो टोटल मेमोरी वो हमारे पास अवेलेबल है, हम जितना यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल लिया उसमें कुछ बिट्स का यूज़ किया है, हम देख लेते हैं इसका आगे यूज़ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका एड्रेस स्पेस है वो आपका 20 बिट्स का है, मतलब 20 बिट्स का आप एड्रेस जनरेट करोगे एग्ज़ाम्पल में, और ये जो आप फिज़िकल है ये 15 बिट्स का करोगे। तो हमने ये कैसे देखना है ये हम आगे देखते हैं। पहले तो आप ऑक्सिलरी मेमोरी को समझो, इसमें आपका प्रोग्राम वन है, ये डाटा वन डाटा टू, प्रोग्राम टू आ गया उसका डाटा टू डाटा वन आ गया। अब मेन मेमोरी में हमने प्रोग्राम वन पूरा लोड कर रखा है और इसका भी सिर्फ डाटा वन को लोड कर रखा है, तो मतलब इतना सा चाहिए हमें उतना हमने लोड कर लिया, बाकी नहीं चाहिए तो उसको हमने दोबारा एक्जिलरी मेमोरी में रहने दिया। ठीक है, तो ये है आपका मेन मेमोरी टेबल जो हमें मैपिंग के लिए चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वर्चुअल एड्रेस हमने पढ़ा कि हमारे पास 20 बिट का है, तो वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर में हम 20 बिट जनरेट करेंगे, उसको हम भेजेंगे मेमोरी मैपिंग टेबल में। मेमोरी मैपिंग टेबल में अगर ये वाला एड्रेस जो है वो मैच किया तो उसकी वैल्यू को हम उठा के मेन मेमोरी एड्रेस में डाल देंगे और वहाँ से मेन मेमोरी को एक्चुअल में असेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका सीपीयू है जो मेन मेमोरी को ही डायरेक्टली असेस कर सकता है। ये तो हमने एड्रेस अपनी मन से जनरेट किया है, इनको एक्चुअल में आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। मैप का मतलब सिंपल है, मैपिंग अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, जैसे इंडिया का अगर नक्शा है तो उसका मैप है, तो जो मैप में जहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर है मिलता है, एक्चुअल में भी आपको जम्मू कश्मीर वहीं पे मिलेगा। अगर पंजाब का जो होशियारपुर या जलंधर जिला आपको जहाँ पे भी दिख रहा है, एक्चुअल में जो आपके मैप के ऊपर रोड्स बने होते हैं रियलिटी में भी वही होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपका ये सिर्फ मैप कर रहे हो आप, वर्चुअल एड्रेस बना रहे हो आप, और अब मैप की हेल्प से उसको मेन मेमोरी के ऊपर एक्चुअल में फिजिकली उसको ढूंढ रहे हो आप, इस तरह समझ लो इसको। ठीक है, तो इसको हम आगे जो हम वो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पहले क्या है कि जो आपके एड्रेस स्पेस है, ठीक है, तो अब एड्रेस स्पेस हमने बात की थी किसकी होगी, आपकी वर्चुअल की। तो वर्चुअली जो प्रोग्राम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं अब पेजेस में यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेजेस जो होते हैं इनका ये फिक्स्ड साइज़ होता है। पेजेस मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप इक्वली फिक्स्ड पार्ट्स में बांट देते हो। आपका पेज ज़ीरो ये भी प्रोग्राम वन का ही हिस्सा हो सकता है, पेज टू पेज वन ये भी आपके उसी का हिस्सा हो सकता है, पेज टू ये हो सकता है किसी और का हिस्सा हो। मतलब आपने जो भी प्रोग्राम है उनको आपने इस पेजेस में तोड़ देना होता है, और जो भी जो पेजेस होते हैं ये आपके फिक्स साइज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को हम जैसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, द प्रोग्राम ऑल्सो कंसिडर टू बी स्प्लिट इंटू पेजेस, मतलब प्रोग्राम को आप पेजेस की फॉर्म में तोड़ देते हो। ठीक है, तो अब उतने से पेज को ही हम उठा के रैम में लेके जाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, बाकियों को हम वहीं पर पढ़ा रहने देंगे। ठीक है, तो अब ये पेज और ये अब यहाँ पे ये ब्लॉक वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फ्रेम वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जितना पेज का साइज़ होता है उतना ही आपका ब्लॉक का साइज़ होगा, पर ये आपके पास लिमिटेड है, ये अब अभी अनलिमिटेड है। मतलब यहाँ पे देखिए, अभी हमारे पास 8 पेज है। ठीक है, पर यहाँ पे ब्लॉक हमारे पास सिर्फ 4 हैं, क्योंकि मेन मेमोरी तो एक्चुअल में तो स्मॉल ही है, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या, हमने इसको पेजेस में डिवाइड कर दिया, अब जिस पेज की ज़रूरत है उसको हम मेमोरी में रखेंगे, बाकी को हम निकालते जाएंगे। तो उसके लिए हमने मैपिंग करनी है, तो वो मैपिंग देखिए कैसे होगी। आपने वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे जनरेट किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसने पहला पेज नंबर, क्योंकि हमने पेज पढ़ा था पेज 01, और बाकी जो हो गया वो सारा का सारा लाइन नंबर हो गया। ठीक है, तो आपने ये आपका आ गया टेबल। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस टेबल आ गया, आप ये डायग्राम के साथ इसको मैच करते रहो, वर्चुअल एड्रेस जनरेट हो गया, उसके में मेमोरी मैपिंग टेबल आ गया। तो ये आपका मेमोरी मैपिंग टेबल हो गया, इसमें आपने ये पेज नंबर को ढूंढना शुरू कर दिया। हम 101 को ढूंढ रहे हैं, तो आपको 101 यहाँ पे मान लीजिए ये वाला मिल गया। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आपको उठानी है, पर ये तब उठानी है अगर ये वाली बिट ये प्रेजेंस बिट होती है। अगर तो प्रेजेंस बिट 1 है तब आप इसको उठा पाओगे, अगर ये प्रेजेंस बिट 0 है तो इट मीन्स आप ये वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते, या ये वैल्यू आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं है।
ठीक है, या वैलिड नहीं है, आप इस तरह बोलो। वैसे तो ये प्रेजेंस बेटा है, मतलब ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपको पहले तो मिल गया, आप सबसे पहले क्या करोगे, टेबल एड्रेस को ढूंढोगे, मतलब पेज नंबर को ढूंढोगे। इस यहाँ पे नंबर आपको मिल गया, उसके बाद आप चेक करोगे क्या आप वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखोगे आप यहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो करती है तो उसकी वैल्यू को उठा लो। वैल्यू को उठा के हमने किस में डाल दिया, बफर में डाल दिया। यहाँ पे देखिए ये मेमोरी टेबल बफर रजिस्टर था, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डाल के इसको ये वैल्यू उठाई। अब बफर मतलब टेम्परेरी होता है, बफर का मतलब होता है आपकी टेम्परेरी लोकेशन होती है। तो सिर्फ इतना सा हिस्सा उठा के आपने बफर में डाल दिया, यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी। अब इसका ये वाला पोर्शन जो डाटा है उसको आप लेंगे मेन मेमोरी रजिस्टर में, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन नंबर है वो आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क ही नहीं था, आपने सिर्फ पेज नंबर को ढूंढना था। पेज नंबर की जो फर्दर, पेज नंबर के थ्रू आप मैपिंग कर रहे हैं, मतलब ये लाइन नंबर तो एज इट इज़ कॉपी हो गया और ये सेम होगा मेन मेमोरी में, पर फ़र्क किस में होगा, पेज नंबर के कंटेंट में। तो पेज नंबर आपने पहले ढूंढा, फिर कंटेंट उसका यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो एड्रेस है इसको आप फाइनली मेन मेमोरी में जो है वो रख लोगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है मेमोरी एड्रेस को मैपिंग कर सकते हो, या इसको असेस करोगे, या रीड या राइट जो भी आपने करना है वो आप कर लोगे। तो ये आप इस तरह आप क्या करते हो, मेमोरी मैपिंग करते हो, ठीक है, वर्चुअल में। अब इसमें जो पेज टेबल है उसको हम एसोसिएटिव ढंग से भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेज टेबल जो है उसकी हमें स्पीड ज़्यादा हम रखना चाहते हैं, तो हम उसको एसोसिएटिव मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। सो अ मोर ऑफिशियंट वे टू ऑर्गेनाइज अ पेज टेबल वुड बी कंस्ट्रक्ट इट विद द नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी। मतलब जितने नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी, मतलब जितने आपके पास वर्ड्स हैं उतने ही आप ब्लॉक्स जो है आप मेन मेमोरी में रखो, ठीक है। तो उस तरह जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप इसको सीधा समझो, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका कोई वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है। तो वर्चुअल एड्रेस को हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है ऑलरेडी, पेज नंबर और लाइन नंबर में, ठीक है। तो की रजिस्टर जो है वो हम यूज़ करते ही करते हैं। तो जिसको हमने ढूंढना, यानी कि वर्चुअल एड्रेस को हमने ढूंढना है, तो उसके लिए हमने आर्गूमेंट रजिस्टर को यूज़ कर लिया। ये हमने पहले स्टडी किया था एसोसिएटिव मेमोरी में, कि आर्गूमेंट रजिस्टर में वो वैल्यू होती है जिसको हमने सर्च करना होता है, और की रजिस्टर में हम वो बताते हैं जिसको की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सर्चिंग करते हैं। तो हमने सिर्फ पेज नंबर को ढूंढना था, लाइन नंबर को तो ढूंढना ही नहीं था, तो इसलिए हमने पहली तीन वैल्यू क्या कर दी, 1। अब ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है, क्योंकि हमारे पास चार ही ब्लॉक थे, तो चार ब्लॉक में आपने यहाँ पे जो डाटा रखा हुआ है, पेज नंबर ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसमें क्या लिखा, सबसे पहले पेज नंबर को ढूंढने की कोशिश की, तो आपको पेज नंबर यहाँ पे ये वाला मिल गया। तो आप इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डाटा है उसको आप डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो हर एसोसिएटिव के हर अब एसोसिएटिव मेमोरी में ये वर्ड 1 हो गया, वर्ड 2, वर्ड 3 हो गया, और ईच वर्ड इन द मेमोरी कंटेनिंग अ पेज नंबर होता है टुगेदर विद द कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक नंबर। तो इसमें ये ब्लॉक नंबर है, ठीक है, और ये इसका पेज नंबर है। द पेज फील्ड इन द ईच वर्ड इज कम्पेयर्ड विद द पेज नंबर ऑफ द वर्चुअल एड्रेस। इफ द मैच अकर द वर्ड इज रेड फ्रॉम द मेमोरी एंड इट कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक नंबर इज एक्सट्रैक्टेड। तो आप ब्लॉक जो है उसको यूज़ करो, मतलब आपने एसोसिएटिव मेमोरी अलग से ले ली, मेन मेमोरी में आपने ज़्यादा पंगा नहीं लिया। मेन मेमोरी में आपके सिर्फ जो है वो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। तो ये ब्लॉक देखिए ना, ये 0, ये 1, ये सॉरी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये तीनों ब्लॉक हैं। तो आपने सिर्फ ये पेज नंबर को ढूंढा, तो अब ये जो पेज है ये किस ब्लॉक पे पड़ा हुआ है, ये पहले ब्लॉक पे पड़ा होता हो, सॉरी 0 1 2 2 ब्लॉक पे पड़ा हो, सेकंड ब्लॉक पे पड़ा होता, आप उसको सीधा रीड कर लो। आप यहाँ पे भी देखो, ये देखिए ये ब्लॉक 0 था, इसको बाइनरी में ब्लॉक 1, मतलब ये 0 1 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये 1, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये हम आपको याद होगा, 0 0 को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 मतलब 1 हो गया, 1 0 मतलब 2 हो गया, 1 1 मतलब 3 हो गया। तो यहाँ पे जब ये 0 1 किया था तभी आपने ब्लॉक 1 को असेस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि आप सिर्फ पेज नंबर ढूंढो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ये ब्लॉक को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने डायरेक्टली उस ब्लॉक को जो है वो असेस कर लेना। उसके बाद आते हैं इसमें आपके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, पेज रिप्लेसमेंट मतलब क्या है कि आपके पास जो अभी मेन मेमोरी है उसमें हमने जैसे पढ़ा है कि आपके अभी देखा है कि ब्लॉक आपके चार ही हैं, ठीक है। तो जब आपके चारों के चारों ब्लॉक जो हैं वो फिल हो जाएंगे, मान लीजिए ये चारों ब्लॉक आपके फिल हो गए, इसमें पेज नंबर 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, 4 आ गया, अभी मेरे को जो है पेज नंबर 0 को एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे 0 को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा और इन
चारों में से किसी एक पेज को जो वो बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब उसको कैसे निकालना है, उसके लिए हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या क्या हमें डिसाइड करना होता है वर्चुअल मेमोरी में, जहाँ हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला, विच पेज इन द मेन मेमोरी बॉट टू बी रिमूव्ड, किस पेज को मेन मेमोरी से यहाँ से निकालना है जब ये आपको नए यहाँ पे खाली जगह की ज़रूरत है। व्हेन ए न्यू पेज इज़ टू बी ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी टू, कब एक पेज को आपको ऑक्सिलरी मेमोरी से यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, और उसको कहाँ पे रखना है। मतलब ये तीन आप मेन डिसीजन लोगे। तो इसमें एक कंसेप्ट जो है वो लिखा रखा होता है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि जब आप किसी पेज को रैम में, आप क्योंकि काम तो आपका सीपीयू कर रहा है, तो सीपीयू को भी पेज नंबर ज़ीरो चाहिए, तो वो यहाँ पे जाएगा, उसको पेज नंबर ज़ीरो नहीं मिलेगा। इसे हम बोलने रहेंगे पेज फॉल्ट, कि जिस पेज को आप ढूंढ रहे थे वो पेज आपको नहीं मिला। तो सीपीयू क्या करेगा कि इसको भी सस्पेंड कर देगा थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ देगा, भूल जाएगा इसको, और वो कहीं और चला जाएगा काम करने। वहाँ पे काम करे, जब वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, तब तक हमें जो हार्ड डिस्क है या ऑक्सिलरी मेमोरी है वहाँ से आपके पेज को उठाना है और पेज को यहाँ पे डालना है, ठीक है। आपको यहाँ से पेज उठाना है और यहाँ पे पेज डालना है। तो इसके लिए आपको पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको यहाँ से पेज उठाना है और यहाँ से कोई पेज को पहले बाहर निकालना है, फिर उसकी जगह इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है यहाँ पे दो डिस्कस किए हुए हैं, फीफो और LRU। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पेज रिप्लेसमेंट का मेन मुद्दा यही होता है कि हम वो वाले पेज को मेन मेमोरी से उठाएं जिसकी हमें अभी रिसेंटली यूज़, हम फ्यूचर में उसका नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आपने अगर वो वाला पेज उठा दिया जिसको आप, जैसे मान लो अभी आप पेजेस को, आपके ये वाले पेजेस हैं, यहाँ पे ये पेजेस हैं ना, तो अभी तो आपने ज़ीरो को इंसर्ट करना है, तो ठीक है आपको किसी एक को निकालना पड़ेगा। मगर अगला जो स्टेप है, अगर आपको पता है कि आपने वन को ही यूज़ करना है और आप वन को ही पहले बाहर निकाल दो, ज़ीरो को यहाँ पे रख दो, मान लीजिए अगला ये ऐसे बन जाता है। मतलब हमने वन को बाहर निकाल दिया, अब अगली स्टेज में हमें वन चाहिए, अभी वन हमें फिर नहीं मिलेगा, तो अभी हमें फिर कोई और निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए अभी आप टू निकाल दो, ठीक है, तो अभी आपको अगली बार टू की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आपको टू नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम पेज फॉल्ट को जो है मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, कि हमारी पेज फॉल्ट कम से कम हो। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं कि हम उस वाले पेज को उठाएं, उस वाले पेज को निकालें जो हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत हमें रीसेंट फ्यूचर में नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दो ही कर रखे हैं, तो मैं वहीं उन्हीं को डिस्कस करूँगा। फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें सीधा हिसाब होता है कि जो सबसे पहले आया था, तो जब भी खाली करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी मेमोरी को, तो जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये सबसे इजीली हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। LR जो होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई हैं, तो जिसकी रिक्वेस्ट मतलब बहुत पहले आई थी, आप बोल दो लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब जिसको भी हम अभी हमने यूज़ नहीं किया है रिसेंटली, सबसे बहुत पहले यूज़ किया था, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या, आप टाइमर सा लगा दोगे, तो देखते रहोगे कि सबसे ज़्यादा बूढ़ा कौन है इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम जो है आपकी रैम में किसने स्पेंड कर दिया। तो जिसने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया उसको आप निकाल दोगे बाहर, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि काफ़ी देर से इसको यूज़ नहीं किया, तो इट मीन्स हमें फ्यूचर में भी इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इस बेस पे इसको निकालते हैं। इसके अलावा एक आपके पास ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी होता है, तो उसमें क्या, आप फ्यूचर में देखते हो कि फ्यूचर में आप उसमें फ्यूचर को देख के काम करते हो, ठीक है। तो वो आपका अलग है, वो आपकी बुक में शायद नहीं यहाँ पे दे रखा है। हम जो बुक है वो मॉरिस मनो की फॉलो कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो मॉरिस मनो में जो कुछ है उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम की बात करें, तो उसमें हम फ्यूचर में देखते जाते हैं कि फ्यूचर में सबसे लेट किसकी बारी आएगी। जो फ्यूचर में सबसे लेट जिसकी बारी आएगी उस पेज को हम पहले निकाल देते हैं, ताकि हमारे जो पेज फॉल्ट हैं उतनी देर तक ना हो, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके पास मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सो इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।